नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पद्मिनी आपण मानू स्वागत करुच्छी मोर ओडिया ब्यूटीमिक्स चैनल रे। तेरे दर्शक बंधु, आज मुझे आम भारत बहुत बड़ ब्यूटीशियन शेहनाज हुसैन को टिप्स जोटा कि आमर धला बाल असमय पची जा चुट्टी को कला कर सहित केश जदि झड़ू थड़ा कम हम तासत केश पुणी थे रिग्रोथ कर। तेरे चलत भिडटे आरंभ कर ना। तेरे दर्शक बंधु, आजिका आम स्टाइल करने आम केश को इलेक्ट्रॉनिक जिनस बहुत किसी केमिकल प्रोडक्ट यूज करता कंडीशनिंग करने सहित सिल्की करने साइनर करने स्मूथनेस दवापी किंतु से गुड़ाक केमिकल हो सी आम केश मूल को डैमेज करता है और केश को आहरी खराब कर दे थाए। अबे आमर चलचे शीत दिन रे खास करके आम केश एकदम ड्राई फील हुए, शुष्क हो जाए, झाड़ू भाया फिल होता है। तमर असमय केशमूल पची जा बहुत कम बयस केशमूल पची जा जोटा कि भल लगे तो तार गोटे समय सीमा थाए चुट पाचार कि सब प्रडक्ट यूज कलापर इलेक्ट्रोनिक्स केमिकल लचा हो जाए केशमूल जोटा कि केशमूल को डैमेज करा सहित केश तो निश्चित भाव में झड़ूस केश बहुत शीघ्र पची जा तो से सब रक्षा पाइबा आज बहुत मानने पूरा नेचुरल होम मेड रेमेडी नहीं जोटा कि शेहनाज हुसैन को ब्यूटी ब्यूटिशियन जे हेयर टिप्स जोटा कि पूरा नेचुरल आप घर निजे आगे बनई पारे यूज करेंगे। सहित जो केमिकल प्रॉब्लम होती डैमेज होशमूल केमिकल जो तो शैम्पू लगे लगे हिल कर तेरे से ये ना आम आमला अँला जोटा तेरे अँला आम केश को कंडीशनिंग करता है सहित प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को सहित से ग्रे हेयर को कम करता है बुस्ट करता है हेयर वॉल्यूम को हेयर को आम केश को घन करता है मोटा करता है। ता सहित डैंड्रफ क्योर कै जब कंटिन्यूसली आपको लग जा उकुणी कम करता है। तेरे दर्शक बंधु, आप गोटा अँला मिलूँ फल तार रस बाहर करती तो ये मुझे सुखिला अँला अच्छे भिजे बतरे कि तार रस बाहर कर नहीं गोटे चामच नौ कॉफी कहीं कॉफी रे थाए जो आम कैफेन थाए जोटा कि केश को सिल्की करे साइनर करे ता सहित ग्रे हेयर को कम करता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है रिस्टोर करता है हेयर लॉस को हवापी दिए ता सहित जो आम केश को सिल्की बनाए साइनर करता है सॉफ्ट बनई थाए नेचुरली। ता सहित मुझे एड कर जो हेना बा मेहंदी पत्र मंजुआती पत्र गुंड जदि आप पत्र अवेलेबल अच्छी तक बाटिक पेस्ट बनइले बहुत भल कि मो पाखे पत्र तो अवेलेबल नहीं मुझे पाउडर नौ दी चमच पाउडर नौ आपड़े कम बेस कर हेयर लेंथ हिसाब से तो मुझे छोट मोर केश जो बेस लंबा नुह छोट रखी कहीं संभा पारे तेरे ये सब पाउडर अच्छे कॉफी पानी रे टाइट हो जाए तेणुक आम एम आगे मिक्स करनवा हेना मैंने मेहंदी पाउडर को सहित कॉफी पाउडर को आठ मुझे एड कर हिबिकस पाउडर आम मंदार फूल गुंड जदि आपखे मंदार फूल अच्छी सतेज फूल अच्छे तार पेस्ट लगे बहुत भल आप पेस्ट ए मिक्स कर पारती कि मुझे पाउडर मिक्स कर दि चमच नहीं हिबिकस मंदार फूल गुंड तो ये मंदार फूल आम हेयर लॉस को बंद करता है सहित आम केश को हेल्दी बनाए और प्री मैच्योर ग्रेइंग को कम करता है केश को मोटा करता है डैंड्रफ क्योर करता है शीत दिन में जो प्रॉब्लम थाए हेयर फ्रिजिनेस ड्राइनेस ब्रेकेज जो दमुह केश हो जाए क्योर कर तो आपको एमती आम भल भाव मिक्स करने आप क्वांटिटी कम बेस कर पारती आप हेयर लेंथ हिसाब से भल मिक्स कर सारापर जो आम बतरे कि रखी थी अँला पाउडर आ सहित अँला फलर रस ताक एड करदे और मिक्स करके रखीदेव दुई घंटा पाखापाखी तापर आपन जदि चाहती ये अंडा मिक्स करेंगे आम देशी अंडा किंतु मते पसंद नहीं अंडा तेणु मुझे अंडा मिक्स करनी कितु जदि आप अंडा लगे मैंने भल पाती लगे तो लगे पारती बट मुझे एवोड कर अंडा लगे मुंड में भल लगे तार स्मेल तो एक भल लगे और अंडा पुणी ननभेज जाऊे लगे भल लगे आपड़े एड कर पारती तो कमी भल भाव मिक्स करनेपर तक रखीदे दुई घंटा रही सारापर आम जो आप केश धोवाई जाऊँच केश धोवा आगू आपको लगे मुंडे दुई घंटा छाड़ीदे
ତାକୁ ଆପଣ ସାଧା ପାଣିରେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଧୋଇବେ। ଶାମ୍ପୁ ବା କୌଣସି କଣ୍ଡିସନର ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାହିଁକିନା ୟାର ଗୁଡ଼ନେସ୍ ପଳାଇବ, ତା ସହିତ ଆମର କେମିକାଲ ଏଡ଼େଡ଼ ହୋଇଯିବ କେଶ ମୂଳରେ, ତ କାମ କରିବନି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଧୋଇବା ଆଗରୁ ୟାକୁ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ କେଶ ଧୋଇ ନେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ୟାକୁ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ସାଧା ପାଣିରେ କେଶକୁ ଧୋଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ୟାକୁ ମାସରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇ ଥର ଲଗାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ ହେୟାର ବା ଧଳା ଚୁଟି ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ନେଚୁରାଲି ରିଭର୍ସ କରିବ, ତା ସହିତ କେଶ ଝଡ଼ା କମ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୁଡ଼ନେସ୍ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଇଏ କେଶକୁ ଝଡ଼ିବାରେ ରକ୍ଷା କରିବ, କେଶକୁ ବଢ଼େଇବ, କେଶକୁ ସିଲ୍କି କରିବ, ସାଇନିୟର କରିବ, ମୋଟା କରିବ, ଲମ୍ବା କରିବ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଅଁଳାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆମ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।